माँ, पिताजी, भैया, दादाजी। दादाजी, माँ, मेजर राम, तुम 10 साल के बाद घर लौटे हो बेटा। जब तुम गए थे सिर्फ बड़े भाई की शादी हुई थी, अब मैं दादा बन गया। आओ मिलवाता हूँ। ये चारों मेरे पोते पोती हैं। हाय। तुम हाय नहीं बोलोगे? हाय। और अपने बड़े भाई के बारे में तो जानते होंगे, एमएलए बन गए हैं आजकल। काफी तरक्की कर ली भैया। हर किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते रहते हैं। अरे बदमाश, चुप कर। हाँ भाभी तो याद है ना, जब तुम गए थे तब ये पलटन नहीं थी, घर यही संभालती है। कैसी है भाभी? हाँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं, तो अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो जस्ट कॉन्टेक्ट है। फिर तो भाभी आपके हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ तुम हमारे साथ ही रहो, रोज तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। कम कम कम। और तुम्हारे मजले भैया भी अब क्रिमिनल लॉयर बन गए। हाय भैया, कैसे हो? लॉयर नहीं हीरो लग रहा है। तभी तो ऐसी बीवी मिली है। तो नहीं सोचा चक्कर चल रहा था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये आपके लिए भाभी। मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन ये जब बड़ी भाभी आई थी तो उन्हें भी दिया था, अब आपका हक बनता है तो आप लीजिए। लो तुम्हारी माँ भी आ गई, चेहरा देख लो, आज ही मुस्कुराई है 10 साल बाद। तुम्हें फौज में भेज दिया था ना, हर रोज लड़ती थी मुझसे। अरे जीते रहो बेटा, कैसा है तू मेरे लाल? मैं अच्छा हूँ माँ, आप कैसी हैं? अब मैं ठीक हूँ। तो देखा ना मेजर राम, मैंने कैसे इंट्रोडक्शन करवाया, एकदम मिलिट्री स्टाइल में। पर एक का इंट्रोडक्शन बाकी है, स्वतंत्र सेनानी, परमवीर चक्र से सम्मानित, तुम्हारे दादाजी। You have done a great job, my boy. वो आतंकवादी जो मंत्री जी का अपहरण करके अपने साथियों को छुड़वाना चाहते थे, उन्हें अच्छा सबक सिखाया। Very good. तुम्हारे दोस्त जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, और तुम जैसे नौजवान जिन्होंने ये जीत हासिल की है, my special salute for them. मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा एक बेटा घर की सेवा करे और दूसरा बेटा देश की सेवा करे, पर भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया। देशद्रोहियों का नाम सुनके मेरा खून खौल उठता है, पर मैं मजबूर हूँ बेटा, लड़ाई में अपाहिज जो हो गया। दादाजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जलते हुए शोले की तरह आपका पोता आपके साथ है। जैसा आप चाहते थे मैं घर का भी बेटा बनूंगा और इस देश का भी। मैं ब्रिगेडियर ठाकुर का नाम जरूर रोशन करूंगा। थैंक यू माय बॉय। अच्छा सुनो, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में तुम्हारे पिता ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया ना, अब उनका इंट्रोडक्शन देना मेरा फर्ज बनता है। मुझे गर्व है कि ये महेंद्र कुमार मेरा बेटा है और इसने इस खानदान की परंपरा को बखूबी निभाया। चाचू चाचू, इनसे बच के रहना, दादू बड़े डेंजरस हैं। है? ऐसा क्यों कह रहे हो? घर में भी हम पर मिलिट्री जैसा रूल चलाते हैं, खाने में, खेलने में, पढ़ने में, हर चीज में। पर मुझसे डरते हैं चाचू। स्टॉप इट। यस सर। परेड। सावधान। यस सर। डिस्पर्स। देखा ना आज भी मेरा डिसिप्लिन कैसा है। इसका मतलब वो आज सुबह की पहली गाड़ी से नहीं आया? नहीं आया भाई। तो गया था बराबर स्टेशन पर देखने? हम गए थे, वो नहीं आया। तो ई काऊ मंत्री हमको झूठा झूठा लिखकर भेजे हैं कि वो आ जाने वाला था। साला स्टेशन पर सो रहा था का? जग्गू दबे का नाम मिट्टी में मिला दिए।
सुअर की तरह खा खा के बस मोटे हो गए हो सबके सब। तुम लोगों को चकमा देकर निकल गया हूँ और तुमको पता भी नहीं चला। हट साला। जगो संतोष कहाँ है? कभी वहां गए नहीं का? सतिया गया है का? हम उस संतोष बार का बात नहीं कर रहा हूं। वो संतोष कहाँ है जिसका तुम कल उठाकर लाए हो? कुछ याद नहीं आ रहा। एक काम करो, फोटो दे दो। वैसे भी हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तो साथ ही साथ तुम्हारा काम भी कर देंगे फ्री में। हमारे साथ कोनो खेल मत खेलो जगो। अगर 2 दिन में वो हमारे सामने हाजिर नहीं हुआ तो हम तुम्हें कुत्ता का मौत मारूंगा, याद रखना। ए लोटिया दादा, ये हमारा इलाका है। सीधे सीधे कह रहे तुझसे, निकल ले, नहीं तो यहाँ से अपने पैरों पर चलकर जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे तुझे। वो का है ना लोटिया दादा, हमारा मूड खराब है, कहीं उसकी चपेट में तुम ना आ जाओ। भाई का का कहते हो, डाल दे का? कौन आ रहे उनके पास? चलो यहाँ से। मिले तो बता देना, भेज देना उसे। Hey, कौन है आप और मेरी बाइक पर क्यों बैठ रही है? नीचे उतरिए। अच्छा सुनो, तुम कमांडो भी नहीं हो और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तुम राम नहीं हो, मैं आशा नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है, मुझे छोड़ दो जल्दी। बाइक या टैक्सी नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, नीचे उतरो। तुम्हें डर लगता है ना कि अगर मुझसे बातें करोगे, मुझसे मिलोगे तो मेरे प्यार में पड़ जाओगे, है ना? किस पागल ने तुमसे ये कह दिया? डॉक्टर गोविंद स्वामी ने। वो डॉक्टर खुद पागल है। वो इस शहर के बेस्ट मेंटल डॉक्टर है। नॉनसेंस, अभी कभी नीचे उतरो। हेलो, तू कौन है रे? सर छोड़िए। अरे सर, आजकल तो हर लड़के का सपना होता है कि वो लड़की को पटाए, बाइक पर बैठाए और उसे बिठाकर चांद तक ले जाए, और आप है कि ये खूबसूरत चांस भगा रहे हैं। इतनी अच्छी लगी तो अपनी बाइक पर बैठा ले। सर, प्यार के बगैर जिंदगी नहीं चलती है, इतनी खूबसूरत लड़की है, घुमाओ फिराओ। कितनी अच्छी बात कही आपने। इम्प्रेस होकर मेरी बाइक पर मत बैठ जाना, हीरो यही है, सही बाइक पकड़ी तुमने। मेरी जिंदगी का हीरो यही तो है। अरे सुनो, हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्या लगती हो इसकी? चक्कर चल रहा है, प्यार का चक्कर, कंफर्म कर रही है। इरादा सिर्फ प्यार तक ही है या आगे भी बढ़ोगी? फर्स्ट क्लास चॉइस है। क्यों भाई महेंद्र, बेटे की सगाई भी कर दी और हमें मिठाई भी नहीं खिलाई? सर जी, उसकी सगाई का मुझे भी अभी अभी पता चला, तो मैं भी घर जाके उसी से मिठाई खाने वाला हूँ। आराम से इससे बातें कर रही हो? नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं। अरे बाप रे पिताजी, इतनी भी क्या जल्दी है? उतरो नीचे। जैन 27 आशा, कहो कि तुम मुझे पहचानते हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा, उतरो। जैन 27 आशा। नीचे उतरो। ये क्या, कब से तुमने जैन 27 की रट लगा रखी है? हा? ऐसा क्या खास हुआ था उस दिन जो मैं उस दिन को याद रखूंगा? हम क्या किसी खुशी के मौके पर मिले थे कि मुझे वो तारीख याद रहेगी? अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो हम उसे निकाल के फेंक देते हैं। दोबारा जब उस जख्म को देखते हैं तो कांटा निकालने वाले की नहीं, उस दर्द की याद आती है। मैं नहीं चाहता कि आइंदा हम दोनों एक दूसरे से कभी भी मिलें, इसलिए आज तक मैं तुमसे भागता फिर रहा था, पर पता नहीं क्यों तुम मेरे पीछे ही पड़ी हुई हो। समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? बोल दिया जो कहना था तुम्हें, या फिर और भी कुछ कहना बाकी है? राम,
उस दिन जब तुमने मेरी इज्जत बचाई थी तुम मेरी नजरों में उसी दिन भगवान बन गए। अगर तुम न होते तो न जाने उस दिन। तुम भी चाय लो। थैंक यू भाभी। अरे हाँ राम, आर्मी से तुम्हारे लिए एक पार्सल आया। आर्मी से? तुमने आर्मी के लिए कितना कुछ किया तो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा होगा। हाँ दादाजी, कहाँ है? ऊपर तुम्हारे कमरे में है। थैंक्स भाभी।